ये है महाभारत वाली द्रौपदी यानी पूजा शर्मा। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जूम से ही की थी। ये जूम के लिए कई सारे शोज होस्ट कर चुकी हैं। आज बात है अनसुनी में ये महाभारत से जुड़ा अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हैं। मैं कॉलेज में थी तो मुझे एंकरिंग के ऑफर्स आए, फिर मुझे जूम मिला, फिर मैंने काफ़ी वक्त जूम के लिए शोज होस्ट किए। वो करते करते फिर एड्स ऑफर हो गए, एड्स किए, एंड देन अगेन उसी ट्रैजेक्टरी में आगे चलते चलते सडनली मुझे ये शो ऑफर हुआ। मुझे ऑडिशन कॉल आया तो पहले मुझे बहुत हंसी आई कि मतलब ये कैसा, मतलब माइथो शो से स्टार्ट करूँ मैं अपना एक्टिंग करियर। फिर मुझे उन्होंने बोला कि नहीं आप ऑडिशन के लिए आओ, तो मैंने थोड़ा प्रोक्रेस्टिनेट करने की कोशिश की कि नहीं मैं कल आती हूँ परसों आती हूँ, तो दे सर नहीं नहीं प्लीज़ आज लास्ट डे आप आ जाइए। I went there and then पूरा hair makeup outfit के अंदर audition हुआ। So I think the transition for me happened there and then। जब वो outfit पहनी, वो hair and makeup हुआ, वो look आई, तो एकदम suddenly लगा कि मैं ऐसे भी लग सकती हूँ। मैंने ज़्यादा सोचा नहीं, जब ये role मुझे offer हुआ, पहले मैंने audition किया और ये role मुझे मिला, तो एक excitement थी कि चलो द्रौपदी करेंगे and all that, तो उस समय इतना सोचा नहीं। बट दी एनॉर्मिटी ऑफ द टास्क ऑफ प्लेइंग द्रौपदी आई थिंक हिट्स मी एवरी डे ऑन सेट। जब मुझे रियलाइजेशन होती है कि ये एक हिस्टोरिकल कैरेक्टर है, एक इट्स अ कैरेक्टर विद ऑफ एपिक प्रोपोर्शंस, एज इन इट्स अ पार्ट ऑफ आर कल्चर, एवरीबडी नोज अबाउट द्रौपदी, एवरीबडी नोज अबाउट महाभारत। डिफिकल्ट पार्ट अबाउट प्लेइंग द्रौपदी इज कैरिंग दैट लुक। इट्स ऑल वेरी ब्यूटीफुल एंड इंटरेस्टिंग, एंड शुरू में बड़ा मजा आता था, क्या है ज्वेलरी, क्या है आउटफिट, क्या है मेकअप। अब होता है क्या है ज्वेलरी, प्लीज थोड़ी सी ज्वेलरी हल्की कर दो, ऑल ऑफ दैट। ज्वेलरी को कैरी करना थोड़ा मुश्किल होता है, यू नो द एलर्जीज और रैशेज और वो सब चीज़ें, दैट कम्स विद द टेरिटरी। बट आई थिंक अगेन दिस इज़ माई थो, दैट इज़ द लुक, तो वो कैरी करना नेसेसरी है। जहाँ तक ड्रेस की बात है, तो आई थिंक शुरू से ही हम लोगों ने कहा है कि द्रौपदी का कलर रेड मेंटेन किया है, बिकॉज द्रौपदी इज़ दिस स्ट्रॉन्ग फायरी कैरेक्टर, सो द लुक ऑफ द कलर पैलेट वॉज ऑलवेज रेड। तो कहीं ना कहीं आप हमेशा मेरे आउटफिट में एक डैश ऑफ रेड देखेंगे। फिर मेरी एक लंबी सी ड्रेप हमेशा रहती है, मेरे बर्थ सीक्वेंस से लेकर चीरहरण तक, एक यू नो एक, क्योंकि द्रौपदी के साथ उसके पल्लू का एक रेलिवेंस रहा है, तो आई ऑलवेज been dragging this long drape with me। हाँ, लुक को काफ़ी अप्रिसिएशन भी मिली है, काफ़ी मेहनत करती है हमारी क्रिएटिव टीम टू पुट इट टुगेदर, एंड मैं भी काफ़ी मेहनत करती हूँ उसको ओढ़ के सारा दिन घूमने में।